हेलो दोस्तों, लग रहा है ना ये एकदम सॉफ्ट स्पंजी मुलायम फ्रूट केक। तो आज हम बनाएंगे ये सूजी से बना हुआ फ्रूट केक। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम स्पंजी बनता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं माधवी स्वागत करती हूँ आपका माधवीज किचन में। आज हम बनाएंगे ये सॉफ्ट मुलायम और हेल्दी सूजी फ्रूट केक, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सबको पसंद तो आता ही है। और साथ ही ये हम बनाएंगे बिना ओवन के, पैन में हम इसे बनाएंगे, बिना दही और बिना एग यूज़ किए हम इसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आइए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1 कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है, इसे मैंने बॉयल करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सूजी को ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास कोई सी भी सूजी हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 कप और 1/4 कप सूजी ले रही हूँ और इसे हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम ग्राइंडर में डालकर 2-3 मिनट तक इसे ग्राइंड करेंगे ताकि ये फाइन पाउडर बन जाए। कोई सी भी सूजी हो, इसे ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, सूजी हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर बन गई है सूजी। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह बन गई है सूजी। तो इसमें हम डाल देंगे अब 1/2 कप चीनी। चीनी को भी सूजी के साथ एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, चीनी और सूजी हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है और पाउडर फॉर्म में आ गई है। हमारा बटर मिल्क भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस केक में हम दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बटर मिल्क का यूज़ करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई सूजी और चीनी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए हम बीट करेंगे ताकि ये जो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, लंप बिल्कुल भी ना रहे और मिक्सचर हमारा लाइट हो जाए। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए साइड में फूलने देंगे। सूजी को फूलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केक हमारा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मैंने यहाँ लिया है 6 इंच डायमीटर का एक केक टिन, उसे हम घी या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम प्लेस कर देंगे एक बटर पेपर, जिसे मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा लेकर डस्ट कर सकते हैं केक टिन में। इसे एक बार और इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन। इस केक में डालने के लिए हम लेंगे 4 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। आप इसमें अपने पसंद का कोई ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। और टूटी फ्रूटी में हम डालेंगे 1 टीस्पून मैदा और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये टूटी फ्रूटी हमारे रेडी हो गई है, इसे साइड में रखेंगे। एक पैन को रख देंगे प्री हीट होने के लिए। इसमें मैंने इस तरह का एक स्टैंड रख दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। ये देखिए, 1 घंटा हो गया है, हमारा जो ये मिक्सचर है सूजी का, ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर थिक भी हो गया है। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, इससे केक में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। अब बैटर में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी जो हमने मैदे के साथ मिक्स करके रखी थी और इसे भी हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा थिक है और टूटी फ्रूटी में हमने मैदा ऐड कर दिया था, तो इससे क्या होगा, टूटी फ्रूटी हमारी जो है वो केक के तले में नहीं बैठेगी। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा था।
तो ये आप देख सकते हैं बैटर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है केक टिन में। अब हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके ऊपर सजा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके उससे डेकोरेट कर सकते हैं केक को। थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल है बैटर में तो वो निकल जाए। अब हम केक टिन को रखेंगे प्री हीट किए हुए पैन में। पैन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। इसे हम बेक करेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे बेक कर सकते हैं 30 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। आइए हम केक को चेक करते हैं। ये देखिए केक हमारा कुछ इस तरह का हो गया है, फूल चुका है केक हमारा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। केक ने साइड्स भी छोड़ दी हैं, तो इसे हम नाइफ से एक बार चेक करेंगे। ये देखिए नाइफ में थोड़ा सा बैटर लगा हुआ है, तो हम केक को 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। इसे हम ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा जो केक है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। एक बार नाइफ से फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस बार नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक अंदर एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। केक को हम निकाल लेंगे और इसे हम ढककर ठंडा होने देंगे। ये देखिए एक घंटे के बाद हमारा जो केक है ये ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। केक को हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे रिमूव कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से केक हमारा बेक हुआ है, कलर काफ़ी अच्छा आया है इसका, देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पंजी केक बना है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये केक सूजी से बना हुआ है और इसमें हमने बिल्कुल भी मैदा ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट स्पंजी केक बना है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट केक है। तो दोस्तों ये हम सूजी से भी एकदम सॉफ्ट स्पंजी केक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम स्पंज की तरह टेक्सचर आया है। बस हमें ध्यान रखना है कि सूजी कोई सी भी लें, उसे ग्राइंड करके बारीक पाउडर ज़रूर बना लें, उससे जो हमारा केक है एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो दोस्तों हमारा सूजी फ्रूट केक बिल्कुल बनकर रेडी है, इसे आप इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए, बच्चे इसे बहुत लाइक करेंगे, चाय के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी केक बना है, एकदम स्पंजी मुलायम रुई की तरफ सॉफ्ट केक बना है हमारा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।